अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो मैट्रिकुलेशन के वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक का इम्तिहान दे चुके हैं और फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं, अभी उनका दाखिला नहीं हुआ, और नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो अहम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ से लेकर FSC तक ये बड़ा चेंजिंग फेज़ होता है आपकी ज़िंदगी का। जो ही वो फर्स्ट ईयर में कदम रखता है, कॉलेज लेवल पर जाता है, तो उसमें मैच्योरिटी नज़र आती है और आनी भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ कि इन छुट्टियों में आप वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है, ये चंद माह हैं, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती माह हैं। इन्हीं ये बेस है, पहले जो हुआ सो हुआ। अगर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तब भी, और अगर एवरेज मार्क्स हैं तब भी, और अगर कम मार्क्स हैं तब भी आप कम बैक कर सकते हैं। या पहले अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, आप अपनी सोच के दरवाजे खोल सकते हैं। तो अब आप ज़रा बड़े कैनवस पर पिक्चर बनाएं, बड़ा सोचें, माउंट एवरेस्ट को सर करने से भी आगे का सोचें। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो सोच होती है वही बेस होती है किसी भी चीज़ की, वही महवर मरकज़ होती है। जब तक आइडिया नहीं आएगा तो उस पर अमल कैसे होगा? तो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, लेकिन अमल ज़ाहिर है, बैकग्राउंड में कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन, बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें और फोकस, ये सारी चीज़ें होंगी तो ही एक अच्छा फ्यूचर आपको मिल सकता है। तो इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, मेरी तमाम नौजवानों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए, आपको सही मानों में रूज अता फरमाए, और आपका दीन और दुनिया दोनों में भला हो। तो स्टूडेंट्स, में बात कर रहा था हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ करंट टाइम, मौजूदा वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है। स्टूडेंट्स, इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं कि तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है। मेरी चंद और वीडियोस भी हैं, उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये अल्लाह ताला ने उसूल बना दिया है, रूल बना दिया है कि अगर आपने तरक्की करनी है, यू विल हैव टू पास थ्रू दिस गेट, एंड दिस गेट इज़ वॉट, दैट इज़ हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आपको स्पोर्ट्स में और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर फील्ड में जो मुल्क, जो इंसान, जो बच्चा मेहनत करता है, आपको वो आगे आगे मिलता है। तो अल्लाह ताला तमाम चीज़ पर, तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है, लेकिन अल्लाह ने इस कारखाने हयात को चलाने के लिए कुछ उसूल बनाए हैं। उनमें से एक बहुत ही बड़ा उसूल है मेहनत, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि वैसे तो अल्लाह ताला बादलों के बगैर बारिश बरसाने पर भी कुदरत रखता है, वही कारसाज है, लेकिन क्या एक माहौल बनता है, हबस होता है, गर्मी होती है, फिर हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, फिर घने बादल आते हैं, फिर बारिश बरसती है, तो हर चीज़ को सैराब करती है। और साथ साथ ये भी मैसेज देता चलूँ कि कुदरत से भी सीखें, आस पास की हर चीज़ से सीखें, बादलों से भी सीखें, और सूरज से तो सीखना ही चाहिए, और तरक्की करें अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, अपने शहर के लिए, मुल्क के लिए, बल्कि ग्लोबल सिटीज़न का सोचिए, पूरी दुनिया के लिए सोचिए, यू आर अ ग्लोबल सिटीज़न। तो बात कर रहा था नेचर से सीखने की, तो स्टूडेंट्स, आप सूरज से सीखें। सूरज जिस तरह किसी अमीर गरीब का फ़र्क किए बगैर तमाम जगह पर यकसां चमकता है, धूप देता है, और धूप इंसान की ज़िंदगी है, तो इसलिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलें, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए एकेडमिकली मैं आपको कहूँगा कि आप बिना किसी देर के स्पोकन इंग्लिश सीख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं वीडियोस का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ जिसमें सेंटेंसेस होंगे,
मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल अंदाज से हटकर आपको सिखाऊंगा। पहले एग्जांपल्स होंगी, सेंटेंसेस होंगे, प्रैक्टिस होगी, फिर मैं ग्रामर के रूल्स भी बताऊंगा कि ये ऐसे है, इसलिए है। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही कह दिया जाता है कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर नहीं चाहिए, ग्रामर चाहिए। इस पर पूरी बात किसी और वीडियो में होगी, लेकिन ग्रामर सीखिए, लेकिन हमने ग्रामर को नंबर टू पर रखना है और प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, स्पोकन प्रैक्टिस को नंबर वन पर रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा, हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इंग्लिश सीखने का यही है कि आप सुने सुने और सुने। जैसे बच्चा शुरू में कितने साल सुनता है फिर बोलता है, इंग्लिश बोलने के मामले में अपने आप को बच्चे के लेवल पर ले आइए, आप ज़्यादा सुने। तो ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं, वैसे भी हिकमत की बातें यही हैं कि ज़्यादा सुने, अच्छी बातें सुने। तो इंग्लिश के हवाले से भी यही है कि ज़्यादा सुने फिर आप बोलेंगे। तो हम गलती कहाँ करते हैं कि हम सुनने की प्रैक्टिस नहीं करते, चंद ग्रामर के रूल सीख लेते हैं, टेंस सीखते सीखते टेंस हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। बिट टेंसेज के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि सीखनी होती हैं, सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी टेंस सीखते सीखते टेंस हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, प्रैक्टिस नहीं आती, कोई डेडिकेशन नहीं आती और इंस्पिरेशन नहीं आती और हेजिटेशन आती है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए, डीमोटिवेशन से बचने के लिए इस चैनल पर आइए। और बातें अच्छी लगें तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आने वाली वीडियो देखें, उससे पहले आप सुने। अगर आप मैच देख रहे हैं तो कमेंट्री ऑन करके मैच देखें। और जॉब हासिल करने के लिए आपको सबसे अहम चीज़ टेस्ट में पास होने के साथ साथ इंटरव्यू में अगर आपने पास होना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर तो इंग्लिश है तो 100% ये बात है, इसके अलावा भी कम से कम 90% बात यही है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको दूसरों पर इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू के बाद वाली आपकी जो लाइफ है, यू विल फील कि आप का लेवल बहुत अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, आपको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इन छुट्टियों में स्पोकन इंग्लिश सीखें, कुरान पाक का तलफ़ सीखें और साथ साथ जनरल नॉलेज भी सीखें, वो सीखना भी ज़रूरी हो गया है। कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लामियात, पाक स्टडी, फ्यू मेन थिंग्स ऑफ हिस्ट्री और वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों से भी वाकिफ़ ज़रूरी है।